Where is the boarding gates? You can reach out to the boarding gate after domestic security check. Please look out for information signage to guide you accordingly. Oh, hey guys, this is Nikhil here and welcome back to my channel. So yes, I know ki bahut din baad video aa raha hai. It's around 4 months. I am going for my first international official trip. So usi ki taiyari chalu hai. Sab main kahan jaane wala hu, क्या कर रहा हूँ, कैसे जाने वाला हूँ, ये आपको वीडियो में आगे दिखने वाला है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब मेरी जो पैकिंग है वो अभी बाकी है. तो ये पूरी पैकिंग वगैरह करनी है. इसके बाद मैं कैसे जाने वाला हूँ, क्या जाने वाला हूँ, सो कहाँ पे जाने वाला हूँ, तो ये मैं आपको आगे वीडियो में आप देख लोगे. तो ठीक है, तब तक जो भी बाहर के काम पेंडिंग है वो काम करके आते. तो ठीक है, बाइक भी है तैयार. तो पहले सैलून जाते हैं और उसके बाद फिर जो मेडिसिन वगैरह लेना है वो लेंगे. सो फाइनली डन विथ माई सलून पार्ट. अभी सीधे घर जाते हैं और आगे का पैकिंग वगैरह का प्रोसेस करते हैं. इट्स ऑलमोस्ट 1:30 एट नाइट. तो बैग भी रेडी हो चुके हैं. यहाँ पे ये एक ट्रॉली बैग और एक बैकपैक है और सुबह के जो कपड़े जो पहनने हैं वो भी निकाल के रखे. तो ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे पास अभी 4 से 5 घंटे सोने के लिए. फिर उसके बाद पूरा दिन ट्रैवल होगा. तो ठीक है, मिलते हैं सुबह. The next day. सो ठीक है, 6:40 इन द मॉर्निंग और मैं अभी निकल रहा हूँ शिरडी के लिए. सो शिरडी से मेरी फ्लाइट है, वो है बैंगलोर तक. और बैंगलोर से मैं कहाँ पे जाऊँगा ये आपको अगले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा. ठीक है, चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी करते हैं, सिक्योरिटी चेक वगैरह करते हैं और सब जो फॉर्मेलिटीज है वो करते हैं, सीधे मिलते हैं फ्लाइट में. अभी एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ रही है. जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां. और यहाँ पे हमारा मील भी आ चुका है. तो मैंने यहाँ पे लिया है दाल चावल और ये कोल्ड कॉफी. तबों में हो जहाँ जिक्र तेरा. कैब ड्राइवर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा है. तो वहाँ पे जाते हैं. उसने ऑलरेडी मुझे व्हाट्सअप कर दिया है. तो पहले उसको कॉल करता हूँ और फिर देखता हूँ कहाँ पे. और निकलते हैं सीधे बैंगलोर का. वेयर इज द बोर्डिंग गेट्स? यू कैन रीच आउट टू द बोर्डिंग गेट आफ्टर डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक. प्लीज लुक आउट फॉर इंफॉर्मेशन साइनेज टू गाइड यू अकॉर्डिंगली. मजे भाई बैंगलोर के, ऐसे ऐसे अलग अलग रोबोट्स देखने मिलते हैं यहाँ पे. सही है. आंखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम है.
तो फाइनली टैक्सी दिख गई है। हाय आनंद, ठीक है भाई चलो लगेज रखते। वो मैं गलती से वहां पे चला गया था, तीन नंबर गेट देखना है, करने के मुश्किल है इसीलिए वो अच्छा वो सिक्योरिटी लॉक नहीं छोड़ता है कैसे भी करके। वो एक दो साल तो आराम से लग जाएंगे पूरा काम होने, पूरे सिटी में या फिर ऐसे कोई पर्टिकुलर है। हाँ सिटी में दो रूट है अभी, ये वो रहे है वो बहुत लंबा रास्ते है, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का रास्ते वो कर रहे हैं ये मेट्रो वाला। हाँ मेट्रो वाला। अच्छा वो 60 किलोमीटर आने के लिए दो साल में नहीं होते है, वो फंड भी होना चाहिए ना। हाँ वो भी गवर्नमेंट सैंक्शन करना। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है? आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है? ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब वहाँ, जिस छोर पे था झूठा मेरा हाथों से तेरे हाथ। नहीं आ गया मेरा गाड़ी था इधर। हाँ ठीक है आके ले लेंगे, चल थैंक यू भैया। तो ये है हमारा स्टे यहाँ पे। सो हे गाइस, हम आए थे अभी नागार्जुना आंध्र स्टाइल, तो ये फेमस होटल है 1984 का। यहाँ का जो आंध्र फूड है वो बहुत फेमस है, तो मैं फर्स्ट टाइम आंध्र फूड ट्राई करने वाला हूँ और देखते हैं क्या रिएक्शन आती है। यहाँ पे हमने एक आंध्र मिल्स एक डिश है वो ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं। मेरे साथ है यहाँ पे विजय। क्या है ये? पोड़ी बोलता, कारम पोड़ी। पोड़ी ये डालना है क्या? हाँ वो मिक्स करके खाना, वो मिक्स करते ही वो रेड कलर होगा। रेड मिक्स करने के बाद मिक्स करो सर, हो गई डिश कंप्लीट? नहीं पूरा मिक्स करो। अभी देखा ऐसा कलर चेंज हो गया।